उधर केंद्रीय कैबिनेट में चर्चा के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको। के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक थी। बैठक में ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनका भारत की मेहनती किसानों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और रेडी पटरी वालों के रूप में काम करने वाले लोगों के जीवन पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, जिन्हें लोकप्रिय रूप से एसएमई कहा जाता है, एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में चुपचाप काम करते हुए 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई की एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। कोविड-19 महामारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के एमएसएमई की भूमिका को शीघ्र पहचान लिया, इसलिए एमएसएमई को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया गया था। इस पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को न केवल पर्याप्त आवंटन किया गया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के में कार्यान्वयन भी को भी प्राथमिकता दी गई है। कई प्रमुख घोषणाओं से संबंधित क्रियान्वयन पहले ही शुरू किया जा चुका है। केंद्र सरकार ने आज आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अन्य घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप भी तैयार किया है। यह महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल है एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन है, यह व्यवसाय करने को आसान बनाने की दिशा में एक और कदम है, और ये एमएसएमई क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने और अधिक नौकरियां पैदा करने में भारत में मदद करेगा। जो एमएसएमई संकट में है उनको इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान का प्रस्ताव आज कैबिनेट द्वारा औपचारिक रूप से अनुमोदित किया गया। इससे 2 लाख ऐसे जो संकट में है ऐसे एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश का प्रस्ताव भी पहली दफा हुआ है। ये एमएसएमई को ऋण इक्विटी अनुपात के प्रबंधन और उनकी क्षमता वृद्धि में मदद करने के लिए एक ढांचा तैयार करेगा। यह उन्हें स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का अवसर भी प्रदान करेगा। इस तरह की सहूलत पहली दफा मिल रही है एमएसएमई उद्योगों को। एमएसएमई की परिभाषा में बढ़ोतरी और परिवर्तन किया है। भारत सरकार ने आज एमएसएमई की परिभाषा को और संशोधित किया, क्योंकि जब पैकेज घोषित किया था तो एक संशोधन दिया था, लेकिन आज इकाई की परिभाषा बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया। लघु इकाई की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया गया है। इसी प्रकार मध्यम इकाई का निवेश सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तथा 100 करोड़ की जगह 250 करोड़ रुपए का कारोबार कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2006 में एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद यह संशोधन हुआ है। पैकेज की 13 मई 2020 को घोषणा के बाद अनेक प्रतिनिधियों से मिले और घोषित संशोधन अब भी बाजार और मूल्य निर्धारण की स्थिति के अनुरूप नहीं है, इसे ऊपर की तरफ और संशोधित किया जाना चाहिए, इस तरह का फीडबैक आया। इन आवेदनों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने मध्यम एवं मैन्युफैक्चरिंग सेवा इकाइयों की सीमा को और बढ़ाने का निर्णय किया। अब यह 50 करोड़ रुपए का निवेश और 250 करोड़ रुपए का कारोबार की सीमा होगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में कारोबार को एमएसएमई के इकाइयों की किसी भी श्रेणी के लिए टर्नओवर की गणना में नहीं गिना जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। शहरी और आवास मंत्रालय ने विशेष सूक्ष्म ऋण योजना शुरू की है। इसके जरिए रेडी पटरी वाले, ठेले वाले,
छोटा दुकान जो बिठाते हैं, सड़क पर माल बेचते हैं, उनकी क्षमता और उनका काम चले इसके लिए ज्यादा ऋण उपलब्ध कराने के फैसला किया है। ये योजना लंबे समय तक चलेगी क्योंकि कामकाज फिर शुरू कर सके और अपना जीविकोपार्जन सही तरीके से कर सके। इस योजना के 50 लाख से अधिक पटरी सामान बेचने वाले, ठेला वाले, हॉकर और रेडी पटरी वालों को लाभ मिलेगा। इनके द्वारा क्या क्या बेचा जाता है मालूम है आपको? सब्जी है, फल है, तैयार खाद्य पदार्थ है, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अंडा, कपड़ा, चप्पल, किताब, स्टेशनरी की आपूर्ति, बहुत सारे वस्तुएं यहाँ बेची जाती है, हम खरीदते हैं। इसके अंतर्गत सलून, मोची, लॉन्ड्री और पान की दुकानें भी आएगी। भारत सरकार कोविड-19 के दौरान इनके समक्ष आई परेशानी के प्रति संवेदनशील रही है। इसी के तहत इन्हें तत्क्षण सहयोग हेतु ये ऋण की योजना शुरू की गई है ताकि अविलंब ये अपने व्यापार को गति दे सके। स्थानीय शहरी निकाय इस योजना में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका बजाएगा। शायद भारतीय इतिहास में पहली दफा आजादी के बाद ऐसा निर्णय लिया गया है, जबकि फुटपाथ दुकानदारों और रेडी ठाने वालों को, चाहे शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र के हो, इस योजना के तहत इन सभी लोगों को, वर्गों को 10,000 रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसे वो मासिक किस्तों में अधिकतम एक वर्ष के अंदर वापस लौटा सकते। समय पर भुगतान करने को वालों को 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी के रूप में लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगा। इसमें किसी तरह का दंड का प्राविधान नहीं है। इस पहल से इन वेंडरों एवं अन्य विक्रेताओं को आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। इस योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की कठिनाई ना हो तथा जिन्हें इसका लाभ मिलना है उन तक यह सही ढंग से पहुंचे, इसके लिए मंत्रालय, बैंक एवं स्वयं सहायता समूह की अहम जिम्मेदारी एवं भूमिका तय की गई है। साथ ही इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता रहे इसके लिए पोर्टल, मोबाइल ऐप भी तैयार किए गए हैं। सशक्तिकरण के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग अन्य काम में भी करने का फैसला हुआ है। योजना के पूर्ण क्रियान्वयन एक वेब पोर्टल के साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप विकसित किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म विक्रेताओं को औपचारिक वित्तीय ढांचे के साथ एकीकृत करने के लिए, इट विल बी येट अनदर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये IT प्लेटफॉर्म मदद करेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन को इससे बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और क्षमताओं के विकास के लिए भी ये राज्य सरकार एवं अन्य एजेंसियों के सहयोग से शहरी विकास मंत्रालय एक क्षमता विकास एवं वित्तीय साक्षरता का कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो महत्वपूर्ण है। सरकार ने किसानों के लिए आज बड़े फैसले किए, जो पहले पैकेज के समय नहीं बताया था, लेकिन आज पहला नया फैसला है और बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उसकी कुल लागत का 1.5 गुना ज्यादा रखने का अपना वादा सरकार पूरा कर रही है। खरीफ फसल 2021 के 14 फसलों के CACP आधारित न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तोमर जी बताएंगे। इन 14 फसलों पर किसानों को अब लागत का 50% से लेकर 83% तक ज्यादा दाम हासिल होगा। सरकार ने बैंकों द्वारा खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए 3 लाख रुपए तक के अल्पकालिक कर्ज के भुगतान की तिथि भी 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाई है और किसानों में इसमें ब्याज की छूट और अदायगी में मोहलत, ये दोनों फायदे उसको मिलेंगे। किसानों को पहली मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के बीच अल्पकालिक कृषि कर्ज की ब्याज में 2% और अदायगी में 3% का फायदा होगा। भारत सरकार द्वारा किसानों को 7% से कर्जा मिलता है। इसमें 3 लाख रुपए तक के लोन पर 2% बैंक ब्याज की छूट सरकार देगी और समय पर भुगतान पर 3% का फायदा मिलेगा। इसका मतलब 4% में 3 लाख तक का कर्जा मिलेगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी तोहफा है। ब्याज में छूट की योजना
किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज सहित अल्पकालीन फसल कर्ज के देने के मकसद से शुरू की गई है। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान बहुत से किसान अल्पकालिक जो क्रॉप लोन होता है उसके अदायगी के लिए बैंक नहीं जा सके। इसको ध्यान रखते हुए कैबिनेट ने जो निर्णय किया है उससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। गरीब ही इस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन की शुरुआत से ही सरकार सबसे ज्यादा गरीब लोगों की जरूरतों को लेकर संवेदनशील रही है। लॉकडाउन शुरू होने के बाद दो दिन में पहला 1,70,000 करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई। 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा देने से लेकर 20 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने तक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों, विधवा, दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने से लेकर पीएम किसान के तहत करोड़ों किसानों को किस्त के रूप में मदद जैसे कदम उठाए गए हैं। इससे एक ऐसे बहुत बड़े गरीब तबके का फायदा मिला है जिसे लॉकडाउन के दौरान परेशानियों का सामना करना पड़ता और अगर सरकार फौरी तौर पर ऐसे कदम न उठाती तो यह तकलीफ बहुत होती। ये घोषणाएं नहीं रही, कुछ ही दिनों के भीतर करोड़ों लोगों तक सीधे तौर पर नकदी अथवा वस्तु रूप में मदद पहुंचाई गई। 80 लाख टन से ज्यादा अनाज पहुंचाया गया। सभी बाकी पैसा जो देना था वो डीबीटी के माध्यम से दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ऐसे लोगों को भी खाद्यान्न जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी देने का व्यवस्था किया। मकान के लिए रियायती किराए वाली नई योजना गृह निर्माण की और ऐसे ही तमाम अन्य कदमों की घोषणा की गई है। किसानों के कल्याण को लेकर व्यापक सुधारों का ऐलान किया गया है। किसानों को उन जंजीरों से मुक्त किया है क्योंकि वो सुधार इतने महत्वपूर्ण है एपीएमसी को लेकर, क्यों किसानों को उन जंजीरों से मुक्त जिसमें वे जकड़े थे और उनकी आमदनी को बढ़ाने के उपाय अब किए गए हैं। इसके अलावा खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे में व्यापक निवेश का भी प्रस्ताव है। खेती से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे मछली पालन को भी वित्तीय मदद दी गई है। भारत सरकार ने हर मोड़ पर समाज के सबसे जरूरतमंद तबके के साथ एकजुटता दर्शाई और उसकी मदद की है। तो ये आज एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है और ये दोनों तीनों फैसले किसानों के लिए, समर्थन मूल्य का भी फैसला, ऋण के बारे में फैसला और एमएसएमई, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग और मंझले उद्योग का। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है। आपको बता दें कि किसानों को लेकर क्या कुछ फैसले लिए गए। एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है, 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की गई है। 50% से 80% तक लागत का ज्यादा किसानों को दिया जाएगा। ये एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। एमएसएमई सेक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई सेक्टर है और इसी को ध्यान में रखते हुए पैकेज जो ऐलान प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया था उसमें एमएसएमई सेक्टर को लोन देने के लिए पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं।